खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पीसीसी के उपाध्यक्ष और जोधपुर प्रभारी बनने के बाद पहली बार रावतसर पहुंचे। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल का कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल भटोरिया की अध्यक्षता व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल के नेतृत्व में रामदेव मंदिर धर्मशाला में रखे गए स्वागत कार्यक्रम में पीसीसी उपाध्यक्ष भरतराम मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन पर विश्वास कर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे सभी कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ लेकर पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वहीं कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया सहित मंचासीन अतिथियों ने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें आमजन तक पहुंचाते हुए राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पहले उपाध्यक्ष भरतराम मेघवाल का रावतसर कस्बे के पेट्रोल पंप पर व मेघवाल धर्मशाला में शाल माला व शाफा पहनाकर तथा पुष्प वर्षाकर स्वागत किया। मैं आज इस मौके पर सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे राजस्थान के जननायक लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का और राजस्थान के हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का और प्रभारी मंत्री हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब जी का और हमारे सह प्रभारी आदरणीय निजामु काजीद्दीन जी का और हमारे प्रभारी मंत्री भी इस ज़िले के आदरणीय गोविंद सिंह मेघवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। राजस्थान का उपाध्यक्ष संगठन में बनाया मुझे और सबसे बड़ा जो काम मुझे दिया गया है, बड़ी जिम्मेवारी का काम दिया गया है, जोधपुर संभाग का प्रभारी बना करके जो मुझे आदरणीय गहलोत साहब ने मान बख्शा है, इसके लिए मैं उनका सदा ऋणी रहूँगा। और जो मुझे ड्यूटी दी गई है संगठन के बारे में, वो मैं अपनी बहुत ही मेहनत करके लगन के साथ उस काम को मैं पूरा करूँगा।